फोटोग्राफर एसोसिएशन का अवार्ड है, तमाम लोग इसमें शिरकत किए, कितनी खुशी हो रही है और क्या कुछ कहना चाहेंगे ओवरऑल इस अवार्ड के बारे में जी? सबसे पहले मैं अपने बारे में कहना चाहूँगा, मेरा नाम अतुल राजकुले, मैं सिने स्टिल टीवी और मोशन फोटोग्राफर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये हमारी 17वीं एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है। तो ये मुंडे जी हमारे मेंबर, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि इस बार कुछ मैं करना चाहता हूँ हमारे मेंबर्स के लिए। ये प्यारी सी ट्रॉफी बनाई उन्होंने और अब उनकी कंपनी मुंडे मीडिया एंटरटेनमेंट, तो हमने एक जॉइंट वेंचर में यू कैन से हमारी AGM में पहली बार हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है हमारी AGM के साथ में। मुंडे जी ने एक म्यूज़िकल इवेंट, मुंडे जी और उनके साथ राजू भाई सिंगर जो राजू टैंग सिंगर है उन्होंने, और ये बहुत प्यारा प्यारी सी ट्रॉफी बना के हमारे सारे कमेटी मेंबर्स को, बॉलीवुड के जितने सेलिब्रिटीज़ है, कुछ नामी गिरामी आर्टिस्ट है, डायरेक्टर्स है, म्यूज़िक डायरेक्टर्स है, उन्होंने शिरकत की और ये हमारे इस AGM के इवेंट को एक इवेंट में तब्दील करके चार चांद लगाए। मुंडे जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में, अगर बात करें तो किस प्रकार का इवेंट, क्या कुछ कहना चाहेंगे ओवरऑल इवेंट लेकर और अवार्ड शो को लेकर? मैं इस कमेटी का मेंबर था पहले, तो इस साल मैं कमेटी के बाहर हूँ, मगर बाहर रह के मुझे बहुत कुछ करने का वक्त मिल रहा है और ये मैंने इस साल प्रोड्यूसर का मैंने कार्ड बनाया है और प्रोड्यूसर का कार्ड जो जिसमें मेरे कंपनी का नाम है मुंडे मीडिया एंटरटेनमेंट, तो ये मेरा पहला इवेंट मेरे इस कंपनी के नाम से। मैंने अतुल जी को कहा कि हमारे मेरी कंपनी जो मैंने खोली है उसके साथ आपका जो AGM होने वाला है, हम दोनों मिलके कंबाइन में एक इवेंट बॉलीवुड को, बॉलीवुड स्टार्स को या आर्टिस्ट सारे जो मेरे पहचान के हैं उनको मैं बुला के सम्मानित करूं और हमारे सब कमेटी मेंबर्स को भी मैं उनको ट्रॉफी देके सम्मानित करूं, ये मैंने प्लान किया था और वो आज हमने किया। किस किस कैटेगरी में और किस किस को अवार्ड दिया गया, जरा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें? एक्चुअली ये पहले ही बताना चाहिए था, ये अवार्ड नहीं है, ये अवार्ड हम नेक्स्ट ईयर सोचेंगे। ये हमने बॉलीवुड को एक पता चले कि हमारे एसोसिएशन के तरफ से कि ऐसी एक ट्रॉफी हमने, एक स्मृति चिन्ह जिसे कहते हैं कि यादगार ट्रॉफी हमने बनाई है और ये सबको यादगार ट्रॉफी हमने दी है आज इस अवार्ड अपना फंक्शन में, और क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? तो मैंने इस इवेंट में जो हमने राजू भाई की भी म्यूज़िक कंपनी है, हम दोनों ने मिलके भी ये पूरा जिम्मेदारी ये ली कि हम बॉलीवुड नाइट जो कर रहे हैं, मतलब AGM के बाद वाला पार्ट जो है वो हमको संभालना था पूरा, और वो कितना अच्छा हो और सारे हमारे मेंबर्स जितने भी हमारे एसोसिएशन के मेंबर हैं वो खुश हो जाए, ये ध्यान में रखते हुए ये सब हमने, मैंने करीबन 50 सेलिब्रिटी को निमंत्रण दिया था, उसमें से 30-35 लोग आ गए और वैसे हमने 50 ट्रॉफीज बनाई थी टोटल, और 15 कमेटी मेंबर्स के नाम से और 35 हम सेलिब्रिटी को देंगे। तो हम जितने लोग आर्टिस्ट वगैरह मेरे हमारे मित्र हैं वो आए, उनमें से हमने सबसे पहले तो हमको कुछ लोगों ने जो सपोर्ट किया उसमें से सबसे पहला नाम लेना चाहूँगा संजीव गुप्ता जी का, इन्होंने काफ़ी हमको ये पब्लिसिटी का पूरा ग्लोबल एडवर्टाइजिंग के CMD है वो भी, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद हमें चीफ गेस्ट जो चाहिए थे कि जो कंटिन्यू हमको सबका सम्मान करे, उनमें मेहुल कुमार जी का नाम मैं लेता हूँ, वो हमेशा मैं जब भी बुलाता हूँ मेरे बर्थडे में आते हैं और कुछ भी मेरा इवेंट होता है मैं फ़ोन करूं तो कभी ना नहीं कहते, वो ज़रूर आते हैं। उसके बाद कुछ इवेंट्स में मैं जाता था तो कुछ आर्टिस्टों को मैं बोल देता था मेरा इवेंट होने वाला है आपको आना है, तो काफ़ी लोगों ने हाँ ही बोला और वो लोग आए भी, उनमें पंकज बेरी है, आकृति नागपाल है, सुनील पाल है, बॉबी वत्स मेरा दोस्त है, एक हीरो
के रूप में काम करता है इंडस्ट्री में, और प्रोड्यूसर डीएस पावा जी है, उन्होंने भी मुझे पर्सनली सपोर्ट किया है। फैशन डिज़ाइनर कंवलजीत सिंह जी आए मेरे लिए, वो भी मेरे अच्छे रिलेशन में है, दोस्त है। दिलीप गुलाटी जी ने भी हमको सपोर्ट किया है, वो भी आए थे, उनके मिसेस का भी हमने सम्मान किया है ट्रॉफी देके। और प्रदीप जैन जी भी हमारे मित्र है, सोशल वर्कर, वो भी आए थे। निखिल कामत जो म्यूजिक डायरेक्टर है, उनका भी हमने सम्मान किया है। राजू निगम जी है कॉमेडियन, और किशोरी शाहने जो मराठी की टॉप की आर्टिस्ट है, आज भी उनका बड़ा नाम है, उन्होंने भी मैंने जैसे उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा हाँ मैं आती हूँ, और आ गई। उनका भी मैं धन्यवाद करूँगा साथ में। स्मिता गोंडकर जो बिग बॉस मराठी बिग बॉस जीती थी, उन्होंने भी यहाँ इवेंट में आके चार चांद लगाई है, मैं कहूँगा उसका भी मैं थैंक्स। अशफाक कोपिकर जी हमारे मित्र है, और उनके इवेंट हर साल जो दादा साहब फाल्के का वो अवार्ड करते हैं, उनमें भी हम जाते हैं, और हमने भी आज पहली बार उनको बुलाया तो वो भी आ गए। बाकी मेरे खास दोस्त हरि वर्मा भी है, जो मुझे हर साल सपोर्ट करता है हर इवेंट में, उसका भी मैं बाद में थोड़ा लेट आए थे। मोहम्मद सलामत जी जो हम दिल दे चुके सनम का टाइटल सॉन्ग जिन्होंने गाया था, वो बड़े सिंगर, उन्होंने भी मुझे आके यहाँ पे मेरे हाथों से ट्रॉफी, मुझे बोले कि आपके हाथों से ही लूँगा मैं, ले चलो। ये भी संजय वर्मा जी जो कॉमेडियन है और बहुत अच्छे सिंगर भी है, जिन्होंने हमारे इवेंट में आके गाने भी गाए और हमें बड़ा सहयोग किया उन्होंने। मैं स्पेशली अभी थैंक्स कहूँगा मनोज नथवानी जी, जो उनकी फिल्म आ रही है कारगिल टू कन्याकुमारी, तो उन्होंने कहा कि आपका इवेंट में थोड़ा सा हम भी हमारा फिल्म के बारे में कुछ बताए, म्यूजिक लॉन्च करें। तो मैंने कीजिए सर, आपका अपना ही घर का इवेंट है, तो उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया है, वो भी अभी आए हैं यहाँ पे, उनका हम बातचीत करेंगे थोड़ी देर बाद। तो ये सब इतने सारे सेलिब्रिटी आज मेरे पहले इवेंट में आके मुझे इतना खुश किया कि मैं आगे के इवेंट करने की मुझे ये लगी कि आगे पहला इवेंट दूसरा तीसरा मैं कब करूं ऐसे। कितना चैलेंज था? और अपनी बात मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे अभी इंडस्ट्री में 25 से ज़्यादा हो गए, 28 साल हो गए हैं। उस 28 सालों में मैंने जो रिलेशन बनाए हैं वो बहुत है, 30-35-50 कुछ भी नहीं है, 1,000, 2,000, 3,000 मैं कहूँगा, इतने सारे मेरे रिलेशन है। मगर हमें भी कुछ लिमिटेशंस होती है ऐसे जगह, हम ज़रूर इसके अगले साल इसे डबल करने की सोचेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रिटी को बुलाने की मैं कोशिश करूँगा। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमारे मित्र रमाकांत मुंडे जी ने एक पहली बार ऐसी पहल हुई है बॉलीवुड में कि हम लोग बेसिकली फोटोग्राफर्स हैं, ये हमारी सिनेस्टिल फोटोग्राफर की एसोसिएशन है, और एक फोटोग्राफर का रिलेशन होता है सीधे आर्टिस्ट, एक फोटोग्राफर फोटो खींचता है, एक आर्टिस्ट की फ़ोटो खींचता है। बट आजकल ऐसा हो रहा है, पहले था हम लोग नेगेटिव में काम करते थे, आर्टिस्ट का रिलेशन एक फ़ोटोग्राफर से डायरेक्ट हुआ करता था, मगर जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, डिजिटल आ गया, थोड़ा सा दूरियाँ भी बढ़ते गई। ये उपक्रम जो है, मतलब ये इवेंट पहली बार ऐसा है कि एक हमारे एसोसिएशन की AGM है फोटोग्राफर की, मुंडे जी ने सेलिब्रिटीज़ को बुलाया और उनके हाथों हमारे मेंबर्स को सम्मानित किया और हमारे हाथों उनको सम्मानित किया। मतलब ही ब्रॉड, इन्होंने एक आर्टिस्ट और एक फ़ोटोग्राफ़र को एक बहुत करीब ला के रख दिया, एक रिलेशन, एक बॉन्डिंग होती है, ये पहली बार पहल हुई है, और आई होप ये कंटिन्यू हो, और हमारी पूरी हमारे एसोसिएशन की सहायता मुंडे जी के साथ हम लोग करेंगे। सुन रहे थे आपके गाने, लोग झूम रहे थे, और क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने गानों को लेकर, किस प्रकार की प्रस्तुति रही आज म्यूजिकल नाइट? क्योंकि सिनेस्टिल टीवी मोशन फोटोग्राफर्स का जो सम्मानित हमको किया,
जैसे भी रतुल जी ने और मुंडे जी ने, मुंडे मीडिया मिलके इतना अच्छा इवेंट, हमने सोचा भी नहीं था कि इतना सक्सेस होगा। और ग्लोबल एडवर्टाइजिंग जो संजीव गुप्ता जी का सहयोग मिला, उसके बाद जो इतना अच्छा माहौल बना दिया यहाँ पर, जितने भी सारे सेलिब्रिटीज आए थे, हमने सोचा था कि कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, लेकिन मेहुल कुमार जी, रजामुरा साहब जी, पंकज बेरी जी और मधुश्री जी प्लेबैक सिंगर, और उसके अलावा हमारे मनोज नथवानी जो कारगिल से कन्याकुमारी फिल्म बनाई उसमें मैंने एक छोटा सा रोल किया था, वो भी मौजूद थे। और हमारे गुजरात के म्यूजिक डायरेक्टर पंकज भट्ट का सम्मानित जो ट्रॉफी दी अतुल भाई और मुंडे जी ने, तो वो बहुत खुश हो गए कि भाई इतना अच्छा सम्मानित हमने किया पंकज भट्ट को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ गौ रक्षक के लिए। और मुझे भी सम्मानित किया जो अतुल जी ने, मुंडे जी ने और पूरी टीम ने, तो मैं सबसे सहयोग मिला और सबसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ अतुल जी और मुंडे जी का, कि इसी तरह से इतना सक्सेसफुल इवेंट करके चार चांद लगा दिया। और आप लोगों मीडिया का भी बहुत बहुत आभारी हम लोग हैं कि हर जगह पे हर टाइम पे इतना अच्छा सहयोग करते हैं आप लोग, ताकि हम चाहते हैं कि आगे चल के हम मीडिया के लिए भी कुछ करने का प्लानिंग चल रहा है हमारे दिमाग में, पूरी जितनी भी मीडिया है उसके लिए भी हम काम करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं बॉम्बे म्यूज़िक बॉम्बे एंटरटेनमेंट की ओर से राजू टाक का आपका धन्यवाद चाहता है। और एक्टर भी है, एक्टिंग इन्होंने छुपी हुई एक्टिंग का कीड़ा अभी इन्होंने पर्दे पे लाने की कोशिश चालू है। इन्होंने अभी जो फिल्म का म्यूजिक कारगिल टू कन्याकुमारी जो म्यूजिक लॉन्च हुआ, उस फिल्म में इन्होंने एक देश के नौजवान, मतलब जवान होते हैं जो रक्षक, उनका रोल किया है। और उनको बहुत बहुत मैं थैंक यू वेरी मच, शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू अतुल जी, फिल्म में काम करने के लिए। चलते चलते आखिरी सवाल, मुंडे मीडिया एंटरटेनमेंट को इतने लोगों ने सपोर्ट किया, किस प्रकार से धन्यवाद आभार प्रकट करेंगे? मैंने तो अभी सारे आर्टिस्टों का आभार ही प्रकट किया पहले जो बोल के, फिर भी एक बार मैं ये कहूँगा कि मेरी जो कंपनी मैंने जो खोली है मुंडे मीडिया एंटरटेनमेंट नाम से, उसको मुझे खड़ा करना है और बहुत सारा काम करना है आगे चल के इस बैनर के तले। उसमें मुझे कुछ फिल्में भी बनाने का हमने प्लान किया है। वाह, और ये बहुत जल्द हम उसका अनाउंसमेंट या हम उसका मुहूर्त भी करेंगे। और इस कंपनी के माध्यम में और भी कुछ अलग टाइप के अवार्ड नाइट हो या कुछ और भी इवेंट्स वगैरह हम करना चाहेंगे। और एक तो सबसे पहली बात ये कहूँगा कि इतनी प्यारी सी ब्यूटीफुल ट्रॉफी मुंडे जी ने क्रिएट की है, ये अवार्ड फंक्शन नहीं, जैसे पहली बार कहा इन्होंने भी मैंने में, ये पहली बार एक ट्रॉफी लॉन्च की गई है किसी को सम्मानित करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले भविष्य में जो भी इवेंट होंगे इस ट्रॉफी का रूपांतर अवार्ड में होगा। और मैं चाहता हूँ कि मुंडे जी को रिक्वेस्ट करूँगा इसी ट्रॉफी को अवार्ड में कन्वर्ट करके हमारे स्टिल फोटोग्राफर्स को, सेलिब्रिटीज को हम इसी ट्रॉफी से सम्मानित करेंगे, उनको अवार्ड दिया जाएगा, ये अवार्ड में कन्वर्ट होगा। वाह, थैंक यू, वेरी गुड। तो सम्मानित किया गया इस खूबसूरत, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जो कभी नहीं हुआ वो पहली बार हुआ। कहने का मतलब यह है कि सिनेस्टिल फोटोग्राफर पूरी बॉलीवुड फोटोग्राफी इंडस्ट्री में जो आज हम मूवीज देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, वो हमारे कैमरे के सामने हीरो हीरोइंस होते हैं। और पहली बार है उन हीरो हीरोइंस को हम लोगों ने सम्मानित करने का मौका मिला। और वो जो सम्मान मिला है, जो हम लोगों ने दिया, इस बात का हमें गर्व है, मगर वो इस बात की खुशी है कि हमारे ही बीच के फोटोग्राफर्स मुंडे जी ने ये हमें मौका दिया, जो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एक प्रयास किया है, अवार्ड तो नाम हो गया है, हालांकि उन्होंने प्रयास किया कि हमारे फोटोग्राफर्स जो बॉलीवुड फोटोग्राफर्स हैं वो भी एक सम्मान के पात्र हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, एक स्टेज दिया कि सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को हम लोगों ने सम्मान दिया और उनके दिलों में एक जगह बनी कि जिनके कारण हम लोग पर्दे पे दिखते हैं, जिनके कारण हम लोगों को एक गरिमामय स्थान मिलता है पब्लिक में,
वो श्री रमाकांत मुंडे जी ने यहाँ आके हमारी एनुअल मीटिंग में कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अचानक, सबसे ताज्जुब की आपको छुपी रुस्तम वाली बात बता रहा हूँ, जो के एक दो लाइन के साथ अपनी बात कहूँगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी एक दिन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं और वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ऐसे मुंडे जी ने बिल्कुल साइलेंस होके अपने पॉकेट से खर्च करते हुए ये सारी ट्रॉफी लाए, ये सारा जो तामझाम आपने देखा उसमें बहुत सा खर्च इनके पॉकेट से हुआ है और उन्होंने ये अचानक बिल्कुल शाम को जब एकदम रूपरेखा बदल गई, जैसे एकदम इंटरवल के बाद पिक्चर बदल जाती है ना, बिल्कुल वो एक अलग हटके उन्होंने, मैं उनको सलूट करता हूँ ऐसे मुंडे जी को, जो वो मैं उनके लिए भविष्य के लिए एक शुभकामना देता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे आगे भी इसी तरह से हम लोगों का मनोबल बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।